Have you ever thought why most people go through an entire decade without bringing about a substantial change in their lives? आप आपके आसपास देखना, 95% लोग एक जैसी जिंदगी जी रहे हैं पिछले 10 सालों में. उनकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो. एंड आपको पता है इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? वो ये कि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा अपनी आदतों को और अपने काम को बदले बिना. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू कंटिन्यू डूइंग द सेम थिंग्स दैट यू हैव ऑलवेज डन, यू विल ऑलवेज गेट द सेम रिजल्ट्स. हमारी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में जब शुरू में बहुत ज़्यादा झटके खाए, प्रॉब्लम्स आई, पैसे नहीं आए, तो मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई थी कि राहुल, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ ह्यूज चेंज इन योर लाइफ, यू नीड टू लर्न समथिंग न्यू, यू नीड टू डू डिफरेंट थिंग्स एंड यू नीड टू बी अहेड ऑफ अदर पीपल. एंड दैट इज व्हेन वी डिसाइडेड कि कुछ अलग करेंगे और आगे बढ़ेंगे. आज आप मुझे देखते हो इतनी अच्छी जगहों पे ट्रैवल करते हुए, शायद इतने अच्छे वेबसाइट्स पे, यूट्यूब चैनल्स पे फीचर होते हुए. यू ऑल्सो सी दैट आई लिव विद माई ब्रदर हियर इन गोवा एंड वी वर्क एंड ऑपरेट फ्रॉम हियर विद आर अमेजिंग टीम. बट वॉट यू डोंट नो इज दैट देयर इज अ बैक स्टोरी एंड अ लॉट ऑफ वर्क दैट हैज बीन डन टू ब्रिंग अबाउट दिस चेंज दैट यू सी राइट नाउ. एक चीज और है जो मैं बार बार बोलता हूँ, इन्वेस्टिंग अपॉन योर सेल्फ एंड फॉर योर ग्रोथ इज सो वेरी इंपॉर्टेंट. इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो छह चीजें दैट हैव ब्रॉट अबाउट एन अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन माई लाइफ एंड हाउ यू कैन डू द सेम फॉर योर सेल्फ. इस वीडियो को लास्ट तक देखो, नोट्स बनाओ, पॉइंटर्स बनाओ एंड फिर मुझे कॉमेंट्स में लिख के बताना आउट ऑफ 6 ऐसा कौन सा पॉइंट था जो आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगा, इंटरेस्टिंग लगा एंड आप इंप्लीमेंट करने वाले. फर्स्ट इज अटेंडिंग इवेंट्स. अगर मैं आपको इवेंट्स की बात बताऊँ ना, पता नहीं ऐसे कितने सारे इवेंट्स हैं जो हमने अटेंड करे. अगर हम हमारे इंटरनेशनल इवेंट्स की बात करें तो जो सबसे पहला इवेंट था वो था फनल हैकिंग लाइव, जो हम अटेंड करने गए थे 2018 में यूएसए में डिज्नीलैंड में. अब यार उस समय ऑनेस्टली इतना ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं था, तो कहीं से पैसे अरेंज करें. अब अगर आप बोलोगे कि राहुल पैसे थे नहीं तो अरेंज कैसे करें, आपको भी पता है पैसे अरेंज हो जाते हैं जब एजुकेशन लोन के लिए हो जाते हैं, कार लोन के लिए हो जाते हैं, होम लोन के लिए हो जाते हैं, आईफोन के लोन के लिए हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए तो होंगे ही ना. सो दैट वॉज द फर्स्ट इवेंट. देन वी वेंट टू द ग्रैंड कार्डोन इवेंट एट इट वॉज इन मियामी आई बिलीव, जहाँ पे कि 35,000 लोगों ने शिरकत करी थी. आई बिकेम अ पार्ट ऑफ द टोनी रॉबिन्स टीम इन सिंगापुर, वहाँ पे मैं क्रू मेंबर के तौर पे था. देन वी अटेंडेड द मार्केटिंग इवेंट इन लंडन एंड पता है उसके बाद क्या हुआ, हम लोग उनसे मिले, बात बात करी ऑर्गेनाइजर्स को, उसके बाद हम गोवा लेकर आए एंड उसका नेक्स्ट एडिशन गोवा में हुआ, जहाँ पे मैं और माई यंग ब्रदर सौरभ बोथ ऑफ अस वर स्पीकर्स ओवर देयर. देन जो हमने अपना खुद का गोवा में इवेंट करा था उससे सिर्फ 10-15 दिन पहले हम लोग मलेशिया गए थे एक अचीवर्स कांग्रेस इवेंट अटेंड करने के लिए, वेयर द स्पीकर्स वर ग्रैंड कार्डोन एंड गैरी वेनरचक. यू नीड टू अंडरस्टैंड जब भी आप इस तरीके के इवेंट्स में जाते हैं, जैसे और इवेंट्स में हम गए, बैंकॉक वाले में गए, इंडिया में इतने सारे मल्टीपल इवेंट्स में गए, मीटअप्स करे, उससे आपको फायदा ये होता है कि आप बहुत अच्छे लोगों से मिलने जाते हैं. आपको नॉलेज तो मिलती है और आप बहुत सारा अच्छा जो आपका कम्युनिटी है उनके संग इंटरेक्शन भी कर ले जाते हैं. अगर मैं आपको एक बात बताऊं, यू मस्ट हैव हर्ड इट फ्रॉम माय माउथ अर्लियर आल्सो, यू गॉट टू बी अमंगस्ट द मनी टू मेक द मनी. तो जब हम ऐसे इवेंट्स में जाते हैं हमको बहुत सारी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से भी रिजल्ट्स आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हम एक स्पैनिश इन्फ्लुएंसर के संपर्क में आए थे जिनका नाम है एरिक कॉलिंस एंड उसके बाद जो हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं ही इंट्रोड्यूस्ड अस टू द एंटायर स्पैनिश कम्युनिटी. हमारे सारे सॉफ्टवेयर्स को उन्होंने कन्वर्ट करा स्पैनिश लैंग्वेज में, वहाँ पे वेबिनार्स करे एंड वी जनरेटेड अ रेवेन्यू वर्थ लैक्स ऑफ रुपीज़. एंड यहाँ पे जो मैं लैक्स की बात कर रहा हूँ वो ना हायर साइड कर रहा हूँ. जब हम ग्रैंड कार्डोन वाले इवेंट में गए थे, पहले इवेंट में हम उससे बात भी नहीं कर पाए थे, फोटो तक नहीं खिंचा पाए थे. सेकंड इवेंट में वी टोल्ड देम अबाउट द प्रोग्रेस दैट वी मेड एंड वी वर ऑन द स्टेज विद देम. उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पे ग्रैंड कार्डोन के संग एक वीडियो हुआ है पूरा 40 मिनट्स का. नाउ हिज स्पीकिंग फीस इज 1 करोड़ रुपीज. हम वी डिड नॉट पे दैट अमाउंट राइट, बट वाई वी मेड दैट हैपन वॉज बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज दैट वी क्रिएटेड फॉर अस बाई अटेंडिंग दीज इवेंट्स. आपको जब भी मौका मिले ना, प्लीज बिकम अ पार्ट ऑफ इवेंट्स. देखो क्या प्रोफाइल है, कौन लोग इवेंट कर रहे हैं. एक चीज़ बहुत ध्यान देना, जब भी किसी इवेंट में जा रहे हो उससे पहले वो लोग किस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, खाना पीना ये वो, इनको हाईलाइट करा जा रहा है या नॉलेज को हाईलाइट करा जा रहा है. वेर एवर द नॉलेज इज बीइंग हाईलाइटेड, लुक एट द प्रोफाइल, लुक एट व्हाट दे हैव डन एंड डू बिकम अ पार्ट ऑफ दीज इवेंट्स. टेक द कॉस्टलीएस्ट सीट्स, चाहे जाके हॉस्टल्स में रहो, चाहे जाके गुरुद्वारे में रहो अगर अपने पास पैसे नहीं है बॉस अभी तो, बट प्लीज इंश्योर कि आप कॉस्टलीएस्ट टिकट्स ले रहे हैं बिकॉज उसकी वजह से ही आप सही लोगों के संपर्क में आएंगे. द सेकेंड थिंग इज सॉफ्टवेयर्स. आपको पता है हमने इतने सारे सॉफ्टवेयर्स में इन्वेस्ट कर रखा है ना, ईमेल भेजने के लिए, मैसेजेस भेजने के लिए, ईमेल का ऑटोमेशन बनाने के लिए, वेबिनार्स करने के लिए. उसके अलावा जो आप सारी चीज़ें देखते हैं हमारे, जो थंबनेल्स बनते हैं, जो आपका नीचे सबटाइटल्स जनरेट होते हैं, जो हमारे
टीम एडिटिंग करती है, जो हमारी टीम बॉक्स शॉट्स बनाती है जो वेबसाइट्स पे लगते हैं, वेबसाइट के ऊपर जो टाइमर लगता है, वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट क्रिएट करा जाता है लैंडिंग पेजेस बिल्डर्स में, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप एक ड्रॉप डाउन दिखेगा, उस ड्रॉप डाउन में देखो ये सिर्फ हमने जो सॉफ्टवेयर बनाए हुए हैं ना, खरीदे हुए हैं ना, सिर्फ उसका एक स्नैपशॉट आपको यहाँ पे दिख रहा है। इमेजिन यार, यहाँ पे भी हमने लैक्स ऑफ रुपीज इन्वेस्ट करे हैं फॉर सॉफ्टवेयर, क्योंकि आपका काम धीरे धीरे ईजी होता चला जाता है जब आप ये सारे सॉफ्टवेयर को ले लेते हैं। दूसरी चीज, अब एक चीज ऐसा भी हो गई है दैट पीपल टेल अस कि आप हमारे सॉफ्टवेयर ट्राई करो, एंड देन इफ यू लाइक इट देन रिकमेंडेड टू पीपल, बट अगेन दीज थिंग्स विल हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जो भी आपके काम को ऑटोमेशन के लिए एंड ज्यादा अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट कराने के लिए चीजों की जरूरत पड़ती है, प्लीज डू दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। द थर्ड थिंग इज We invested in a lot of courses, वो चाहे email marketing हो, वो चाहे financial education के ऊपर हो, वो चाहे आपका Facebook ads चलाने के ऊपर हो। I mean just imagine, मैं हो गया, मेरी team के लोग हो गए, मेरा भाई हो गया, हमने कोई भी IT के regarding पढ़ाई नहीं करी है, digital marketing तो भूल जाओ। All of that what we have learned today is because of self-education. आप लोग सोचो, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से होंगे, एंड जिनको लगता होगा यार राहुल हम लोग नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं यार, हम ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं, 100% कर सकते हो। बस ये होना चाहिए कि यार सीखना है, एंड सीखने के लिए बिल्कुल इस बंदे के पास जाओ जो उस काम को रेगुलरली कर रहा है। अगर एग्जांपल देते हैं, मैंने इतने सारे वेबिनार्स करे ना पिछले ऑलमोस्ट 3 years में, दैट आई एम द बेस्ट पर्सन टू लर्न हाउ टू डू वेबिनार्स, सौरभ इज द बेस्ट पर्सन टू लर्न हाउ टू डू फेसबुक एड्स। तो आपको जब ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं उन लोगों से जो कि एक्सपर्टीज रखते हैं, आपका काम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। एक और बार आपको बोलूँगा, डू नॉट रिलाई ऑन फ्री कॉन्टेंट, बिकॉज फ्री कॉन्टेंट कैटेगोरिकली इंडिविजुअली आपके लिए नहीं बनाए। अब जैसे मैं इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट डालता हूँ, उसे 2,500 लोग 3,000 लोग सेव करते हैं, वो उन 3,000 इंडिविजुअल लोगों के लिए नहीं बनाए ना, तो आपको इंडिविजुअल कस्टमाइज सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते हैं, इसीलिए आप बहुत मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट्स नहीं ला पाते। यू आर पुटिंग इन द एफर्ट्स, आई अग्री, लेकिन इंडिविजुअल गाइडेंस नहीं मिल रही है ना, तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? कॉन्टेंट स्ट्रक्चर्ड नहीं है ना, तो रिजल्ट्स नहीं आते। दैट इज वन मोर थिंग दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। द फोर्थ थिंग हियर दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट इज योर मनी। Where do you put your money is so important. You need to understand that money is energy. Money needs to be used. The only purpose of money is to use it. And जब आप पैसे को use करते हैं अपने काम के लिए, अपनी growth के लिए, वो automatically multiply होता है. Most of the money that I generate is reinvested into my business. आप जो भी 100 रुपये आज अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे ना, आगे चल के वो आपको पता नहीं कितना ज़्यादा रिजल्ट देने वाला है, आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करने वाला है। द नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज बिल्डिंग अ टीम। जब तक आप एक सोलो प्रेन्योर के तौर पे काम करोगे ना, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ोगे। आपके लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको आगे बढ़ने के लिए अच्छे लोग चाहिए, विड्थ बढ़ानी है। अगर आप मेरी बात करो, आई ओनली डू दोज थिंग्स जहाँ पे कि रेवेन्यू जनरेट होता है, रिमेनिंग एवरीथिंग एल्स इज आइदर आउटसोर्स और डेलीगेटेड, एंड वो उन लोगों के द्वारा करा जाता है जो मुझसे अच्छे हैं। वीडियो एडिटिंग वाले लोग जो मेरी टीम में, वो मुझसे अच्छे हैं वीडियो एडिटिंग में, जो ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं मुझसे अच्छे हैं, शायद जो सेल्स कॉल्स भी करते हैं वो भी मुझसे अच्छे हैं, तो उन लोगों को वो वाली अपॉर्चुनिटी दी जाती है, एंड आई डू द वर्क वेर इन द रेवेन्यूज जनरेटेड। कोई भी कंपनी उठा के देख लो, कोई भी बंदा सोलोप्रेन्योर के तौर पर बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा है, ना बढ़ पाएगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट यू ऑल्सो गॉट टू अंडरस्टैंड। And the sixth thing over here is networking, ladies and gentlemen. I said this to you at the beginning of the video also. आपको ऐसे लोगों के आसपास रहना है जो लोग कि आपको ऊपर ले जा सकें. You need to reach out to people who are at a higher level so that they can take you ahead in your journey. अगर कोई गेम भी खेलते हैं ना, तो ऐसे बंदे के संग खेलना चाहिए जो आपसे बेहतर है. सो दैट अगर आप हार भी रहे हो, तो भी आप खुद को इम्प्रूव करते चले जा रहे हो. एंड द सेम थिंग हैपेंस ओवर हियर. व्हेनेवर यू गेट अ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, वेदर इट इज फ्री और पेड, यू गॉट टू अवेल इट. एंड व्हेन यू अवेल दीज अपॉर्चुनिटीज, यू विल नॉट इवन रियलाइज आपके बात करने का तरीका, आपका इंटरेक्शन का तरीका, आपका माइंड सेट, आपका थॉट प्रोसेस, एंड योर इनकम विल ऑल्सो बिकम लाइक दोज पीपल हुम यू हैंग अराउंड विद. अगर आपने यहाँ तक देख लिया, तो एक बोनस टिप और दे देता हूँ, एंड दैट इज हाउ यू बाय इज हाउ यू सेल. कोई अपॉर्चुनिटी सामने आती है ना, जल्दी से ग्राब करो. अगर कैंसिल करना है अपॉर्चुनिटी को, जल्दी से कैंसिल करो. ओवरथिंक मत करो, प्रोक्रास्टिनेट मत करो, अदरवाइज आपको फ्यूचर में भी नुकसान होगा. डू लेट मी नो आपको इन सारे ऑप्शंस में से कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा. क्या आप भी ये सारी चीजें अपने लिए इंप्लीमेंट करने वाले हो? कब से करने वाले? द क्वेश्चन इज कब से करने वाले हो? इंप्लीमेंटेड, बिकॉज आई एम वेटिंग टू सी यू एज द मोस्ट अमेजिंग सक्सेसफुल इंडिविजुअल फ्रॉम योर फैमिली, एंड आई नो दैट यू हैव इट इनसाइड यू. Make it happen, ladies and gentlemen. Make this year your year. Give your 100%. Thank you so much.